हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नेचर भी है। दोस्तों, हम और आप सेल्स और मार्केटिंग में काम करते हैं। बाकी हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो सेल्स और मार्केटिंग दोनों में आता है। दोनों एक ही साइज की लगभग कैटेगरी है। कुछ FMCG में काम करते हैं, कुछ फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आज हम जिस चीज की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो मार्केटिंग करते हैं बंदे, उनको नॉलेज होना चाहिए, बहुत जरूरी नॉलेज है। और इस नॉलेज के बिना थोड़ा सा हमें किसी भी प्रोडक्ट का मतलब स्टेज किस स्टेज में है, किस मूड में है, तो उस जानने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज होती है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, जो इंट्रोडक्शन से लेकर के और दूसरे स्टेज तक देखे जा सकते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आज हम समझाते हैं अपने अनुसार कि कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक किस स्टेज में है और कैसे इसको इन्हांस करने के लिए, आगे प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज है और हमने ग्राफ तैयार किया है जो वर्टिकल में सेल्स रिप्रेजेंट करता है और जो हॉरिजॉन्टल है वो टाइम्स इसमें दिखाया गया है। इसमें अब मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इंट्रोडक्शन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मूड में आया तो धीरे धीरे वो ब्रांड ग्रोथ करता है। तो ये ग्रोथ का फेज दिखा रहा है। ये कोई भी ब्रांड जब इंट्रोडक्शन में आता है तो धीरे धीरे ग्रो करता है। ग्रो का मतलब टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड क्वांटिटी सकते हैं। अगर मेडिसिन की बात करें कि अगर पहले कोई 5 स्ट्रिप बिकती थी, अभी 100 स्ट्रिप कोई डॉक्टर लिख रहा है, तो ग्रोथ हो गया क्वांटिटी में। अब वैल्यू में जैसे अगर 10,000 का हो गया, 15,000 का हो गया, तो वैल्यू में हो गया ग्रोथ। तो ये ग्रोथ हो गया। उसके बाद जो अगर किसी भी ब्रांड बिकता है तो मेच्योरिटी की स्टेज आना तो संभव हर एक ब्रांड का होता है, चाहे FMCG का हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री का हो, चाहे अदर इंडस्ट्री का हो। तो उसका एक मेजोरिटी लेवल आता है जिस समय वो ब्रांड स्टेबल हो जाता है, उसके बाद ग्रोथ बहुत मुश्किल से होता है। तो मेजोरिटी एक उसका जो मतलब कि जो पर्टिकुलर ब्रांड होता है ग्रोथ स्टेबल हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में उससे ज्यादा वो ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जितना डिमांड थी उतना वहां पे फुलफिल हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये पूरा मेच्योरिटी में आ गया तो वो डिक्लाइन मूड में आना मूड में चला जाता है। अब उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है और वो डिक्लाइन मूड में आने लगता है। तो ये डिक्लाइन टूवर्ड्स नीचे की तरफ रहेगा। व्हेन द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, जब प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। सेकेंड स्टेज जो हो गया, व्हेन द प्रोडक्ट में जाता है, टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड क्वांटिटी। और थर्ड पोजीशन जो हो गया मेच्योरिटी, एट द पर्टिकुलर स्टेज ब्रांड ग्रोथ इज स्टेबल। उस पर्टिकुलर स्टेज में ब्रांड का ग्रोथ स्टेबल हो जाता है और डिक्लाइन हो गया देन द ब्रांड टेंड टू डी ग्रोइंग। तो ये स्टेज हो जाती है। अब इसमें सोल्यूशन पे आता हूं। जब वो आपका ब्रांड इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, चांसेस भी ज्यादा रहते हैं ग्रो करने के, 100% चांस रहते हैं ग्रो करने के, क्योंकि वो जीरो उसका सेल रहता है। तो धीरे धीरे सेल उसका बढ़ने लगता है, ग्रोथ में पहुंच जाता है। अब ग्रोथ वैल्यू क्वांटिटी दोनों में होता है। तो एक पर्टिकुलर जो जियोग्राफिकल एरिया रखते हैं कि जो एरिया होता है उसमें एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद संभावनाएं कम हो जाती है। तो मेच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये पूरा इतना कवर मेच्योरिटी स्टेज हो गया, उसके बाद अब उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है। तो उसके बाद आपको और एक्सपेंशन करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, थोड़ा सा एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा कस्टमर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप स्टेबल हो सकते हो आगे जाके। तो उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए जो छोटा सा एरिया पहले से डिसाइड है, अगर उसमें आपने ग्रोथ नहीं किया, एक्सपेंशन नहीं किया, तो डिक्लाइन मूड में आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, चाहे वो FMCG का हो, चाहे दूसरे एरिया जैसे फार्मा इंडस्ट्री के कुछ मेडिसिन हो गए, आप सबका एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए।
और एक एक पर्टिकुलर ब्रांड की ये पोजीशन दिखाती है कि कैसे इंट्रो होता है, कैसे डिक्लाइन मोड में पहुंच जाता है, कैसा हम एक्सपांशन करेंगे, आगे जाके टेरिटरी को बढ़ाएंगे और अपने ब्रांड को की वैल्यू और सेल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। वो बहुत सारे मैट्रिक्स के थ्रू करते हैं, बहुत सारी चीजें हम आगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसे ही काम करती है कि अपने ब्रांड के मूव को आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एक मैट्रिक्स के द्वारा। आप इसको चार्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए जो समझने के लिए आपको पर्याप्त है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का टॉपिक जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है यही समाप्त करते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं दूसरा भी ब्रांड या दूसरा भी कुछ टर्म्स